Years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये आवाज आज भी देश के करोड़ों लोगों के मन में बसी हुई है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। संसद के सेंट्रल हॉल में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नियति से साक्षात्कार वाला यह ऐतिहासिक भाषण दिया था। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कृतज्ञ प्रदेश और देश उन्हें आदर के साथ याद कर रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 जनता की ओर से पंडित नेहरू को सादर नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। 20वीं शताब्दी में भारत ने दुनिया को अनेक अनमोल रत्न दिए थे, जिन्होंने दुनिया में लोकतंत्र के अलग जगाने के साथ देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनमें यदि पहला नाम महात्मा गांधी का था तो दूसरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का। गांधी नेहरू के साथ मिलकर संघर्ष, त्याग और बलिदान करने वाली विभूतियां जन जन के मन में बसी हुई है। कोई ताकत उनको जन मन से अलग नहीं कर सकती। आज पंडित नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको याद करना वास्तव में अपने ऐसे पुरखों को याद करना है जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के अमिट छाप न सिर्फ भारतवासियों के दिल दिमाग में अंकित है, बल्कि लोकतांत्रिक दुनिया में एक चमकते सितारे की तरह विश्व इतिहास में दर्ज है। वे विख्यात बैरिस्टर के बेटे थे और उनकी पढ़ाई सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में हुई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की थी। अगर चाहते तो अमीरों का जीवन बिता सकते थे, लेकिन भारत की आजादी को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था और इसके लिए सारी सुख सुविधाएं छोड़कर खद्दर पहनकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। आजादी की लड़ाई के दौरान वे महात्मा गांधी के प्रभाव में रहे और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए वे गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। नेहरू के योगदान पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले शायद नहीं जानते कि आजादी के लड़ाई के दौरान वे 9 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहे। आज नेहरू को इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है कि वे देश के पहले प्रधानमंत्री थे या फिर वे 17 वर्षों तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहे। आज उनको याद करने की जरूरत इसलिए है कि उन्होंने हमें ऐसा भारत दिया जिस पर हम गर्व करते हैं। उनकी सोच एक विराट सोच थी। वे भारत की संस्कृति के उपासक थे। वे कहते थे, संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। धर्म, आध्यात्म, विज्ञान और तर्क के बीच उन्होंने अद्भुत समन्वय बना लिया था। संस्कृति, धर्म और आध्यात्म को सहेजते हुए वे भारत को वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे और वही उन्होंने किया भी। 1947 में अंग्रेज जो भारत छोड़ गए थे उसके बारे में दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि देश वापस अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा। 200 साल की गुलामी के बाद छिन्न भिन्न भारत को उन्होंने ठोस कार्य योजना के साथ खड़ा करना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में जब देश में देश के सपनों की तुलना में संसाधन कम रहे हों, वास्तविक प्रगति की संभावनाओं तथा उमंगों की उड़ान और जनता के आकांक्षाओं के बीच बड़ा अंतर हो, तब दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने लोकतंत्र को एक तरफ रखकर चाबुक चलाना उचित समझा था। सुकर्णो, नासर, टीटो जैसे अनेक उदाहरण दुनिया के सामने हैं कि जिन्होंने अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल किस तरह लोकतंत्र को धता बताने में किया था, लेकिन नेहरू जी ने हर हालत में लोकतंत्र को ही अपना मूल मंत्र बनाया था। शून्य से शुरुआत करते हुए भी बड़े बड़े बांध, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली और खाद के कारखाने, इस्पात कारखाने, भारी उद्योग, रेल, विमानन के क्षेत्र में
विकास और सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि सारे संस्थान निजी क्षेत्र में नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। स्कूल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का जाल, रिसर्च सेंटर, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल आदि संस्थानों में न सिर्फ भारत का भविष्य गढ़ा गया बल्कि आजादी के संघर्ष से निकली नई पीढ़ी को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। सोचिए कि जवाहरलाल नेहरू 1953 में इस देश में परमाणु अनुसंधान संस्थान खोल चुके थे। 1956 में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना की थी और 61 में देश को IIT की सौगात दी थी और 62 में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत कर दी थी। आज अगर भारत 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित करने का इतिहास रचता है तो उसकी नींव में नेहरू जी की सोच ही थी। सामाजिक अधोसंरचना से लेकर सड़क, बिजली, पानी, रेलवे, विमानन जैसे भौतिक अधोसंरचना के विकास के लिए पंडित नेहरू के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ को पंडित नेहरू के अनुपम सौगात है। यह संस्थान नेहरू मॉडल के औद्योगिकीकरण की मिसाल है कि किस तरह इससे इस्पात ही नहीं बना बल्कि जिंदगियां भी बनाई गई, संस्कृतियां विकसित की गई। दुनिया भर के विद्वान मानते हैं कि यदि नेहरू जी प्रधानमंत्री न होते तो ये दुनिया में नामचीन लेखक, चिंतक और विचारक होते। उनकी दो किताबें विश्व इतिहास की झलक और भारत एक खोज इसका साक्षात प्रमाण है। छोटे छोटे राज्यों में बटे भारत को एक अखंड देश के रूप में पिरोने की कल्पना नेहरू जी ने की थी और अपने अनन्य सहयोगी वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर इसे अमली जामा पहनाया। आजादी के बाद राष्ट्रवाद का जोर चल रहा था, तब उन्होंने अंतरराष्ट्रवाद की बात कही और लोगों को चेतावनी दी थी कि राष्ट्रवाद अगर संकीर्ण होगा तो खतरा बन जाएगा और नेहरू जी की चेतावनी सही साबित हो रही है। पंडित नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व की बराबरी करने की बात तो दूर, उसे छू भी नहीं पाने वाले लोग आज तथ्यों से परे जाकर पंडित नेहरू की आलोचना करते हैं। सच तो यह है, कश्मीर को लेकर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश अब युवाओं और बुद्धिजीवियों को करना चाहिए। यह तथ्य इतिहास में अमिट रूप से दर्ज है, अगर नेहरू न होते तो कश्मीर भारत का अंग न होता। कश्मीर को भारत का अंग बनाए रखने में पंडित नेहरू का सर्वाधिक योगदान था। पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर अनेक भ्रम परोसे जाते हैं। सच तो यह है, नेहरू उनके अनन्य सहयोगी और मित्र थे। यह भी झूठ है कि पंडित नेहरू भारत के विभाजन और पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार थे। सच यह है कि जब कुछ लोग धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की रूपरेखा बना रहे थे तब नेहरू एक प्रगतिशील भारत के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। कम ही लोग जानते हैं कि 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में उस भारत की कल्पना कर ली गई थी जिस पर आज हम गर्व करते हैं। उसी अधिवेशन में संविधान की बुनियाद रख दी गई थी। वे सांप्रदायिकता के खतरे से ठीक तरह से वाकिफ थे, इसलिए लगातार धर्मनिरपेक्षता की बात कहा करते थे। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्मविहीन नहीं बल्कि हर धर्म और हर संप्रदाय को सम्मान देना। नेहरू जी ने उच्च जीवन मूल्यों की बात की थी, उसका एक उदाहरण इन पंक्तियों में दिखता है। हम एक महान देश के नागरिक हैं और हमें उच्च मानकों पर खरा उतरना है। हम सभी, चाहे हम किसी भी धर्म से संबंधित हों, समान रूप से समान अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व के साथ भारतीय संतानें हैं। हम सांप्रदायिकता या संकीर्णता को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा देश महान नहीं हो सकता जिसके लोगों की सोच में और कर्म में संकीर्णता हो। वे बच्चों को आधुनिक भारत के निर्माण का अग्रदूत बनाना चाहते थे, नई पीढ़ी को ज्ञान और कौशल से सक्षम बनाना चाहते थे। वे भारत को पोंगा पंथ और रूढ़िवादी से दूर करके वैज्ञानिक सोच वाले देश में बदलना चाहते थे। उन्होंने जो बुनियाद रखी थी उसी पर बुलंद भारत की इमारत खड़ी हो रही है। पंडित नेहरू की विलक्षण बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की पूरी दुनिया कायल रही है। पंडित नेहरू विराट व्यक्तित्व के धनी थे जिनके पुण्य कर्मों की वजह से आज भारत एक विश्व शक्ति है। बड़े भारी मन से यह कहना पड़ता है, कुछ भटके हुए और निहित स्वार्थी तत्व
पंडित नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भ्रम फैलाते हैं। भारत रत्न और एक महान भारतीय आत्मा के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को तोड़ना हम सबका साझा कर्तव्य है। यही उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह सार्थक तरीका है और उनके प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।